तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेनली हम चार तरीके के केमिकल रिएक्शंस का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक एक करके हम सारे रिएक्शंस का डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी इसी टॉपिक से बनते हैं, इसलिए भी ये वाला टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर, ध्यान देना है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं और जुड़कर सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा सिंगल मिलेगा। तो इस तरीके किसी भी रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर चीजें जो हैं वो क्या होंगी, वो कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, और जुड़कर वो सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर चीजें रिएक्शन के स्टार्टिंग में दो या दो से ज्यादा चीजें हो बट रिएक्शन खत्म होने के बाद वो चीजें जुड़कर एक सब्सटेंस फॉर्म कर ले, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर ले, इस तरह का कोई भी रिएक्शन जो है वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत ही फैमिलियर सा एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम का बर्निंग। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं, दोबारा देखने में क्या बुराई है। तो यहां मेरे पास ये रहा मैग्नीशियम मेटल, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है हमारे सामने मैग्नीशियम मेटल, अगर हम इसे बर्न करें तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए देखते हैं बर्न करके। तो ये जो व्हाइट पाउडर आप यहां पर देख रहे हो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास प्रेजेंट था मैग्नीशियम मेटल जो कि कंबाइन हुआ ऑक्सीजन गैस के साथ और हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिला जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहां पर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ और रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सिंपली हम कहते हैं चूने को। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कुछ और नहीं, ये चूना ही होता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास। इस रिएक्शन को अभी फिलहाल हम नहीं देखेंगे, इस रिएक्शन को हम बड़े स्केल पर देखेंगे और इस रिएक्शन का वीडियो मैं अपने सेकेंड चैनल पर अपलोड करूंगा बाद में। फिलहाल हम इस रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम भी आप याद रखिए, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसका एक और नाम होता है बर्नड लाइम, तो आप इसके कॉमन नेम को भी ध्यान में रखिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है, चूने को जब हम पानी में डाल देते हैं तो चूना पानी में जाकर फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वस स्टेट में होगा। एक्वस स्टेट को मैंने आपको समझाया था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में घोलते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो एक्वस स्टेट कहलाता है। तो चूने को अगर आप पानी में मिलाते हो तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, एक्वस स्टेट में, और साथ ही इस रिएक्शन में रिलीज होता है हीट। बट अगर आप कंपेयर करो तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, और ये दोनों चीजें कंबाइन होकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगेन यहां पर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं जो कि आपस में कंबाइन होंगे, सभी के सभी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे एनसीईआरटी बुक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉमन नेम गिवन है जो कि है स्लेग्ड लाइम, तो इसे भी आप ध्यान पर रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोगों ने कॉमन नेम याद किया क्विक लाइम या फिर बर्नड लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेग्ड लाइम। वैसे तो स्लेग्ड लाइम सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक व्हाइट पाउडर होता है, बट हमारे एनसीईआरटी बुक में इसे एक्वस स्टेट में गिवन है।
हर बुक में जो है हम उसे याद कर लेंगे। तो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम आप याद रखिए जो कि है स्लेक्ड लाइम। अब कुछ नोट की बातें, ये बातें आपको याद रखनी होंगी। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाइट वॉशिंग का क्या मतलब है, पुराने टाइम पर दीवालों को पेंट करने के लिए, दीवालों को व्हाइट वॉश करने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते थे। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक पेंट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बट पुराने समय में चूने का इस्तेमाल किया जाता था दीवाल को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस फॉर्म को हम यूज करते हैं दीवालों को पेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा, व्हाइट वॉशिंग के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है फॉर व्हाइट वॉशिंग। सेकेंड बात जो आपको याद रखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और इस रिएक्शन को हम समझते हैं। तो होता यह था कि जब दीवालों को पेंट किया जाता था चूने के साथ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब दीवालों की पेंटिंग की जाती थी, तो अगर आपने कभी इसे नोटिस किया होगा या फिर अगर आपको मौका मिले तो इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जब चूने से दीवाल को पेंट करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिम है या फिर उसमें कलर ही नहीं आया, वो बहुत ही लाइट कलर सा अपीयर होता है वॉल। बट 2 से 3 दिनों के बाद वो जो दीवाल था वो फिर से ब्राइट कलर का हो जाता है, यानी कि उसमें जो आपने पेंट किया था जिस कलर का भी चूने के साथ, वो कलर अब ज्यादा ब्राइट आपको दिखने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिससे आप दीवाल को पेंट कर रहे थे, वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन काफी स्लो होता है, इसमें टाइम लगता है 2 से 3 दिन का, और रिएक्शन के बाद ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब एक बार कैल्शियम कार्बोनेट दीवाल पर फॉर्म हो जाती है तो अब वो दीवाल ब्राइट नजर आने लगता है, ठीक है। इस रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवाल को पेंट किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने के बाद दीवाल जो है वो ज्यादा ब्राइट अब नजर आती है, ज्यादा उसका जो कलर है वो ब्राइट हो जाता है, और ये जो वाटर बना इस रिएक्शन में वो इवेपोरेट हो जाता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमारे NCERT बुक में गिवन है, तो हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस एक्स है विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए सब्सटेंस एक्स किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि हम मिक्स करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन से ही व्हाइट वॉशिंग की जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर चूना, सब्सटेंस एक्स क्या है हमारे सामने, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का ही सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे वाटर में मिक्स करते हैं और फिर उसे व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो सब्सटेंस एक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला भी लिख लिया हम लोगों ने और हम लोग नाम भी जान गए। नेक्स्ट आगे हमसे पूछा गया है रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वॉटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन विथ वॉटर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वॉटर के साथ तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करती हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। याद रखिएगा, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है जो कि बुक में तो नहीं गिवन है, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्या सभी के सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक यानी कि जहां पर हीट रिलीज होता है। अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, पहला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसमें तो हीट एंड लाइट दोनों ही रिलीज हो रहा था, और दूसरा चूने का पानी में रिएक्शन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, और यहां पर भी हीट रिलीज हो रहा है। तो क्या इससे हम ये मान लें कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज ही होता है, क्या सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हम ऐसे कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज करते हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि सारे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस, एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस कंबाइन होता है ऑक्सीजन गैस के साथ
ठीक है, और ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जब इसे हीट मिले लाइटनिंग के फॉर्म में या किसी फॉर्म में अगर इसे हीट मिले तो ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी एक गैस ही है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहां आप देखिए कि दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। बट इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब ये बना कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, बट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे बी एंडोथर्मिक, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो याद रखिएगा, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का भी है। सो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट भी कहा जा सकता है, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों है ये हमें इसके डेफिनेशन से पता चलेगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, अब यहां पर ध्यान देना है सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स, यहां पर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा, ब्रेक्स डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल सब्सटेंस था यानी कि सिंगल रिएक्टेंट था, और रिएक्शन खत्म होने के बाद ये सिंगल सब्सटेंस यानी कि जो सिंगल रिएक्टेंट था ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो ये बात बिल्कुल ही अपोजिट लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते थे जो कि आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन खत्म होने के बाद हमें सिंगल प्रोडक्ट देते थे, जबकि इस रिएक्शन में इसका ठीक अपोजिट हो रहा है। रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस, और रिएक्शन खत्म होने के बाद ये सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। तो इसीलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट भी कहा जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, बट डेफिनेशन में एक और वर्ड हम लोग आगे ऐड कर रहे हैं, आगे एक टर्म है एनर्जी। तो एनर्जी का भी मतलब समझ लीजिए, ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जब हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कैप भी मुझे रिमूव करना है मार्कर से, तो किसी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना होता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को भी करवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना होता है, यानी कि एनर्जी देना होता है, एनर्जी गिव करना होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। और ये जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ये एनर्जी हो सकता है हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें चीजों को ब्रेक करना होता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन ये है। इसे रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, बहुत ही आसान सा रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन के स्टार्टिंग में कोई रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में होता है, एक सिंगल सा सब्सटेंस है, एक बड़ा सा सब्सटेंस हम इसे इमेजिन करते हैं। अगर हम इसे एनर्जी दे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग फॉर्म में हमें एनर्जी देना होता है, तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये जो रिएक्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ब्रेक्स डाउन, और ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बना लेता है। तो इसे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि यहां पर देखिए आप, एक हमारे पास बड़ा सा रिएक्टेंट था जो कि ब्रेक हो रहा है दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में सिंगल रिएक्टेंट, और रिएक्शन खत्म होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट भी कहा जाता है। अगर हम इसे ऐसे देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते थे जो कि आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे, ठीक है। तो इसलिए इसे ऑपोजिट कहा जाता है कॉम्बिनेशन का। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेनली तीन टाइप्स होते हैं, और ये तीन टाइप्स क्यों हुए इसे भी हम देखते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। पहला फॉर्म है एनर्जी का हीट, दूसरा फॉर्म है एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा फॉर्म है लाइट।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम एनर्जी को जिस भी फॉर्म में सप्लाई करते हैं उस टाइप का वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर अगर हम एनर्जी सप्लाई करें हीट के फॉर्म में तो ये रिएक्शन कहलाएगा थर्मोलिसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मोलिसिस का क्या मतलब है? थर्मो मीन्स हीट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक करना, तोड़ना चीजों को। तो अगर हम हीट दे के सब्सटेंसेस को ब्रेक कर रहे हैं तो ये कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलिसिस। ठीक इसी तरीके से अगर हम रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर चीजों को ब्रेक कर रहे हैं तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक इसी तरीके से अगर हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट देकर अगर किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है, तो वो कहलाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, फोटो मीन्स लाइट। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स बने डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। अगर हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो थर्मोलिसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, लाइट एनर्जी अगर है तो फोटोलाइसिस या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अब हम एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, यहां पर ध्यान देना है फिर से वही बात, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल सिमिलर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन से, बस यहां पर डेफिनेशन में आपको चेंज करना है इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। चूंकि हम बात कर रहे हैं अब थर्मल डिकम्पोजिशन, तो अब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको याद भी रखने होंगे, ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करने हैं। एक एक करके हम सभी रिएक्शन को देखते हैं। पहला डिकम्पोजिशन हम देखने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्विक लाइम, या फिर इसे बर्नड लाइम भी कहा जाता है। और साथ में रिलीज होता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल सब्सटेंस था, एक रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे हीट करने के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और साथ में रिलीज हुआ CO2 गैस। कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कॉमन नेम्स भी हैं तो जिन्हें आप ध्यान पर रख सकते हो। चौक, चौक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, एंड मार्बल, ये सभी जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये इसके कॉमन नेम के तरह कैसे आप याद कर सकते हो कि चौक इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा एग शेल जो होता है, अंडे का ऊपर का जो छिलका, एग शेल दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिए ये अलग अलग जगहों पर आपको काम आ सकता है, चौक, लाइमस्टोन, मार्बल एंड एग शेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन का, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। पहले इस कंपाउंड को आप समझिए, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। यस, यहां पर फॉर्मूले के अंदर ये बीच में मैंने डॉट लगाया है 7H2O। जहां कहीं पर भी ये वर्ड आपको देखने को मिले हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है कि सॉल्ट के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहां पर 7H2O प्रेजेंट है। किसी भी सॉल्ट में अगर हाइड्रेटेड वर्ड लगा है तो उस सॉल्ट के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब इस फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यह जो सॉल्ट होगा वो गीला होगा। द सॉल्ट इज कंप्लीटली ड्राई, ये बिल्कुल सूखा सा सॉल्ट होता है। ये जो 7H2O है ये इस सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये 7H2O का काम क्या होता है कि ये सॉल्ट को जो है वो शेप देता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप देता है। ठीक है, सॉल्ट को क्रिस्टल फॉर्म में चेंज करता है। तो 7H2O सॉल्ट को बिल्कुल भी कहीं से गीला नहीं कर रहा है, ये सॉल्ट को
शेप दे रहा है, एक ज्योमेट्रिकल शेप देता है, और ये सॉल्ट जो है FeSO4 7H2O ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टल फॉर्म का ये मतलब है, अगर आपने शुगर के क्रिस्टल्स देखे होंगे, चीनी को देखा है, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक इसी तरीके से इससे मिलता जुलता ये जो सॉल्ट है वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो दैट इज योर FeSO4 7H2O। अब हम इसके डिकम्पोजिशन को पढ़ते हैं। तो ये 7H2O को आप नाम भी याद रखिए, ये जो 7H2O मॉलिक्यूल्स हैं इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों कहा गया? बिकॉज ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉल्ट को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस सॉल्ट के अंदर अगर आपसे पूछा गया कि इस सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप बताओगे 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्ट। अलग अलग सॉल्ट में ये नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। अब अगर हम इस फेरस सल्फेट वाले सॉल्ट को अगर हीट करें, इसका आप कलर भी याद रखिए, ये जो सॉल्ट है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इस सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा FeSO4, और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे अब वो वेपर बन के रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन की बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दिया, आप सभी रिएक्शन को खुद से बैलेंस कीजिएगा। हुआ क्या यहां पर, फेरस सल्फेट 7H2O वाला ये जो सॉल्ट था, जब इसे हीट किया गया, दिस सिंबल मींस डेल्टा मींस हीट, तो ये ब्रेक हुआ FeSO4, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे 7H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बनकर रिलीज हो गए। तो हमारे पास अब बचा केवल FeSO4, और इसका जो कलर हो जाएगा अब वो हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब इसके पास 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो ये ग्रीन कलर का था, जब इसे हीट किया गया तो अब ये व्हाइट कलर में चेंज हो गया, और ये जो वाटर वेपर्स थे अब वो वेपर बन के चले गए, हमारे पास बचा सॉलिड FeSO4। बट अगर हम इसे कंटिन्यूअसली हीट करते रहें, और अगर हीट करें, तो अब आप देखोगे कि फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करने पर ये ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दो गैसेस यहां पर निकल रहे हैं, अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि गैस रिलीज हो रहा है। फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिखना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। और ये दोनों गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का भी कलर आप याद रखिए, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन। आयरन का ये ऑक्साइड है, दिस इज रेडिश ब्राउन। तो फेरस सल्फेट को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा फेरिक ऑक्साइड, और दो गैसेस निकलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दोनों ही जगहों पर, इन दोनों ही रिएक्शंस में आप देखो कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट था, जब उसे हीट किया गया तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हुआ। यहां पर दो प्रोडक्ट्स रिलीज हुए, यहां पर तीन प्रोडक्ट्स रिलीज हुए। तो ये एग्जांपल है एक थर्मल डिकम्पोजिशन का, वैसे तो डिकम्पोजिशन, और चूंकि इसे हीट देकर करवाया गया है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब कि एक रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, एक रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में आप ये भी याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो गैसेस होते हैं, इन गैसेस का स्मेल आप ध्यान पर रख सकते हो, स्मेल ऑफ बर्निंग मैच स्टिक। जब हम माचिस को जलाते हैं तो स्टार्टिंग में जो स्मेल आता है ना, वो सेम स्मेल होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस का। माचिस को जलाने पर जो स्मेल आता है वही सेम स्मेल यहां पर भी आता है। तो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये जो कंपाउंड है दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कंपाउंड का कलर भी आप याद रखिए, तो ये एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। जब इसे हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है लेड ऑक्साइड, जिसका कलर होता है येलो, दिस इज येलो इन कलर। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पर ये ब्रेक हुआ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड साथ में रिलीज हुआ ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दो गैसेस भी यहां पर रिलीज हो रहे हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस गैस का कलर भी आप याद रखिए, तो ये गैस ब्राउन फ्यूम्स, इस गैस के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर का ये गैस होता है जब ये रिलीज हो रहा होता है। तो लेड नाइट्रेट को ब्रेक करने पर हमें तीन कंपाउंड्स मिले, एक कंपाउंड से ब्रेक होकर मल्टीपल कंपाउंड्स बने, तो इस तरह के रिएक्शन को ही हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। और चूंकि ये हीट के कारण हुआ तो इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। यहां पर आप प्रोडक्ट्स को याद रखोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कलर को याद रखोगे, और ऑक्सीजन तो एक कलरलेस गैस होता है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। बट इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रिएक्शन है मेटल नाइट्रेट्स का, ये और भी कुछ मेटल्स जो है वो इसी तरीके के सिमिलर रिएक्शन को शो करते हैं। मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, लगभग 7 ऐसे मेटल्स हैं जिनको हीट करने पर यही सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो वो सभी मेटल्स को आपको याद रखने हैं, कोई भी मेटल आपसे पूछा जा सकता है। इसे आप याद कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मैंने तो इसे ऐसे ही याद किया था, एक वर्ड है CALM, इंग्लिश का वर्ड है काम, काम का मतलब होता है शांत होना, और काम के बाद एक अलग वर्ड आप याद कर लोगे जिसका कोई मीनिंग तो मुझे नहीं याद है, ZIC, ZIC। तो इससे आपको सारे मेटल्स याद हो जाएंगे। क्या है वो मेटल्स? सी है कैल्शियम मेटल, ए इज फॉर एल्यूमिनियम, एल का मतलब है लेड, एम इज फॉर मैग्नीशियम मेटल, जेड है जिंक मेटल, आई है आयरन मेटल, और ये सी है हमारे पास कैल्शियम, हम लोगों ने लिख लिया कॉपर। तो ये 7 ऐसे मेटल्स हैं, इनमें से किसी भी मेटल का अगर आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा गया, इनमें से किसी भी मेटल का कि नाइट्रेट का अगर आपसे डिकम्पोजिशन पूछा गया, तो आप सिमिलर प्रोडक्ट्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कॉपर नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा जाए, जिंक नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर नाइट्रेट अगर हम बनाए तो CuNO3 होल टॉइस, यहां पर कॉपर +2 स्टेट में है, तो कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पर भी हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेगा, यानी कि सबसे पहले हमें मिलेगा मेटल का ऑक्साइड जो कि है कॉपर ऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, प्लस ऑक्सीजन गैस। तो कहने का ये मतलब कि इनमें से किसी भी मेटल के साथ आपको ये रिएक्शन पूछा जा सकता है, तो सभी जगह आप सिमिलर रिएक्शंस को फॉलो करोगे तो ये 7 मेटल्स आप याद कर सकते हो। दैट वॉज आवर थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जहां पर सब्सटेंसेस ब्रेक तो होंगे, बट ब्रेक होंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मोल्टेन NaCl, मोल्टेन यानी कि पिघला हुआ, मोल्टेन NaCl में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये ब्रेक होता है सोडियम मेटल और साथ में रिलीज होता है क्लोरीन गैस। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, बट ये ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वॉटर का इलेक्ट्रोलिसिस। तो वॉटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वॉटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो ये रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, बट इस रिएक्शन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर पर बेस्ड। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर हम इन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। क्या पानी को भी ब्रेक किया जा सकता है? वेल, किसी भी फिजिकल मेथड से तो ये पॉसिबल नहीं है, बट केमिस्ट्री की मदद से इसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। यहाँ मेरे पास 2 पेंसिल्स का एक सिंपल सा सेटअप है। अगर हम इसके अंदर बैटरी कनेक्ट करके इसे वाटर के अंदर प्लेस कर दें, तो वाटर का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, जिसे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। बट इससे पहले हमें वाटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिड या फिर सॉल्ट को भी ऐड करना होगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि वाटर यानी कि H2O का ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है। ग्रे पेंसिल यानी कि कैथोड पर आपको ज्यादा बबल्स दिख रहे होंगे क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और रेड पेंसिल के पास आपको कम बबल्स दिख रहे होंगे क्योंकि वो एनोड है और वहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, चलिए अब इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं।
यहां पर इस कंटेनर के अंदर दो टेस्ट ट्यूब्स को फिक्स किया गया है, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है और टेस्ट ट्यूब के अंदर लगाए गए हैं ग्रेफाइट के रॉड्स। ग्रेफाइट के रॉड का काम यह है कि ग्रेफाइट का रॉड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। और फिर इन रॉड्स को कनेक्ट किया गया बैटरी के दो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही हम बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं तो हमें दो गैसेस मिलते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के ऊपर हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। और इसी सेम रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर इस रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पर कौन सा गैस बन रहा है एंड कैथोड पर कौन सा गैस बन रहा है, इसे हमें पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनोड और कैथोड को याद करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनायन कैटायन अलग होता है, एनोड और कैथोड अलग होता है। आप इसे ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, एनोड यानी कि ए प्लस, जो एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा ग्रेड होता है वो होता है ए प्लस, फिर उससे नीचे ए, फिर बी प्लस, देन बी। तो मैंने इसे ऐसे याद कर लिया था कि ए प्लस जो है वो ग्रेड मुझे लेकर आना है और ए प्लस यानी कि एनोड जो है वो प्लस होता है, ए यानी कि एनोड, एनोड प्लस होता है, ऐसे याद कर लीजिए। कैथोड नेगेटिव होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि एनोड, एनोड पर कौन सा गैस रिलीज हुआ, एनोड पर रिलीज हुआ ऑक्सीजन गैस, और एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो कैथोड पर रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हिंदी का एक वर्ड है चलो, सी एच ए एल ओ, हिंदी में हम इसे चलो लिखते हैं, और इंग्लिश में अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सी एच ए एल ओ, ठीक है। अब अगर इस वर्ड के मीनिंग पर हम जाएं तो सी मतलब कैथोड, कैथोड पर कौन सा गैस रिलीज हुआ हाइड्रोजन, ए यानी कि एनोड, एनोड पर कौन सा गैस रिलीज हुआ ऑक्सीजन, एल को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। क्या ट्रिक बताया मैंने, हिंदी का एक वर्ड है चलो, उसकी स्पेलिंग हो जाएगी इंग्लिश में सी एच ए एल ओ, सी का मतलब है कैथोड, कैथोड पर रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस, ए यानी कि एनोड, एनोड पर रिलीज हुआ ऑक्सीजन गैस, एल को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है, चीजों को आप भूल जाते हो, तो आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, why is the volume of gas collected at one electrode double than the other? पहले तो हम इसे इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, एक इलेक्ट्रोड पर ज्यादा गैस कलेक्ट हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर गैस, अदर इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड पर डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट हो रहा है देन द अदर इलेक्ट्रोड। क्या है वो इलेक्ट्रोड, इसे समझने के लिए हम वाटर के फॉर्मूले को देखते हैं, H2O। अगर H2O का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो आप देख सकते हो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं जबकि ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो अगर ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो यहां से हाइड्रोजन के दो एटम्स रिलीज होंगे और ऑक्सीजन का एक ही एटम रिलीज होगा, ठीक है। तो इस वजह से जब भी वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में रिलीज होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन गैस। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर के फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं जबकि ऑक्सीजन का सिंगल एटम होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को, या फिर इसे हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके भी समझ सकते हैं। अगर इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हम करें तो ऑक्सीजन इस साइड दो है, ऑक्सीजन को यहां डबल बनाने के लिए हमें यहां टू लगाना होगा, बट अब हाइड्रोजन फोर हो गया तो हाइड्रोजन को भी फोर हम बना देंगे। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जब एक मॉलिक्यूल निकल रहा है तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन एटम के दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो इस गैस के कंपैरिजन में ये वाला जो गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, वो हमेशा डबल होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो ट्वाइस है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए या तो आप लिख सकते हो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन एज इट इज आप इसके नीचे लिख दीजिएगा और लिखिएगा दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसी केमिकल इक्वेशन के कारण ऐसा हो रहा है। या फिर आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं दैट
वन वॉटर मॉलिक्यूल वन एच टू ओ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स एंड सिंगल ऑक्सीजन एटम दैट इज वाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जिस तरीके से आप लिखना चाहें इसका आंसर आप कर सकते हैं, मैंने दोनों आंसर्स आपको बता दिए। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एसिड्यूलेटेड वाटर का यूज क्यों करते हैं। एसिड्यूलेटेड वाटर का सिंपल सा मीनिंग है कि वाटर के अंदर कोई एसिड जैसे कि HCl H2SO4 को ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम एसिड्यूलेटेड वाटर का यूज क्यों करते हैं, वाटर के अंदर एसिड क्यों मिक्स करते हैं। तो आंसर ये है बिकॉज जो प्योर वाटर होता है ठीक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है। प्योर वाटर के अंदर आयंस कम होते हैं इसलिए वो प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर है। जब हम उसके अंदर एसिड ऐड करते हैं तो एसिड वाटर में जाकर आयंस में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2SO4 एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के अंदर जाकर ये H+ आयंस एंड सल्फेट आयंस रिलीज करेगा। तो ये जो आयंस हैं वाटर के अंदर जाकर वाटर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, यानी कि अब वाटर जो है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से करंट को कंडक्ट कर पाएगा और अब जो ये जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस था वो ज्यादा फास्ट हो पाएगा। तो वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब वाटर के अंदर हम एसिड को ऐड करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि हम केवल एसिड ही डाल सकते हैं वाटर के अंदर, हम वाटर के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड कर सकते हैं, इवन हम किसी टाइप का सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी वाटर के अंदर जाकर आयंस को रिलीज करेंगे और वाटर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे जिससे ये रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो पाएगा। ठीक है तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हो लाइट एनर्जी के कारण, जब रिएक्टेंट में लाइट एनर्जी दी जाए और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखा जाए तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर मेटल और साथ में रिलीज होता है क्लोरीन गैस। ठीक इसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाए तो यहां पर भी हमें मिल जाएगा सिल्वर मेटल और साथ में रिलीज हो जाएगा ब्रोमीन गैस। तो दोनों ही रिएक्शंस के अंदर हम देख सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट था, जब उसमें लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी दी गई तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। तो ये एक डिकम्पोजिशन है और इस डिकम्पोजिशन को करवाया गया है लाइट के कारण, तो इसे कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर आप याद रख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड जो कंपाउंड होता है ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है और सिल्वर मेटल का कलर तो आप जानते ही हैं कि सिल्वर ग्रेइश जैसा दिखता है। क्लोरीन गैस एक ग्रीनिश येलो टाइप का गैस होता है, ठीक है, क्लोरीन गैस इज अ ग्रीनिश येलोइश कलर। सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर है ये होता है येलो टाइप का, सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है और सिल्वर मेटल का तो कलर हम जान ही गए। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये गैस है। तो आप इनके कलर्स को भी ध्यान में रख सकते हो। साथ ही आप ये भी याद कर सकते हो कि इन कंपाउंड्स का यूज, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड जैसे कंपाउंड्स का यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ये इसका एक यूज है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स का यूज करते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है व्हाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज स्टोर्ड अंडर डार्क कलर्ड बॉटल्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम हमेशा डार्क कलर के बॉटल्स में रखते हैं। तो आंसर बहुत ही ऑब्वियस सा ये है कि डार्क कलर के बॉटल में रखने से ये फायदा है कि कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स पर लाइट एनर्जी नहीं जाएगी। डार्क कलर के बॉटल्स में अगर रखते हैं तो लाइट एनर्जी को ये बॉटल क्या कर लेगा, डार्क कलर का बॉटल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इन कंपाउंड्स तक लाइट एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो इन कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा और कंपाउंड्स हमारे सेफ रहेंगे। टू अवॉइड द डीकंपोजिशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, अवॉइड द डीकंपोजिशन वी स्टोर देम इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। क्योंकि अगर कोई ट्रांसपेरेंट कलर का बॉटल हो, ऐसा बॉटल हो जिसमें लाइट एनर्जी पास करे, तो वो लाइट एनर्जी बॉटल के अंदर चली जाएगी और बॉटल के अंदर जाकर सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक कर देगा। तो ये हमारा
जो है वो डिकम्पोज कर जाएगा, वो कंपाउंड हमारे पास नहीं बचेगा। सो दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं? एंडोथर्मिक यानी कि क्या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ही करते हैं क्या हर केस में? तो ऐसा जरूरी नहीं है, सारे के सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होते हैं। नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट एंडोथर्मिक, बट हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं। They are mostly endothermic, but not all. Always endothermic नहीं होते हैं। For example, decomposition of vegetable matter into compost. ये एक exothermic type का decomposition reaction है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सभी के सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इस रिएक्शन के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले या फिर इस रिएक्शन को भी पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली एक सीरीज है मेटल्स का, जिसमें हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर एक छोटी सी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज का एक पार्ट है यहां पर, इसे आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे याद कर लोगे तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये हेल्प करने वाला है। तो ये सीरीज आपको याद करना होगा, और इस सीरीज को मैंने कैसे याद किया था वो भी मैंने यहां पर लिख रखा है, तो इस ट्रिक को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली हमें मेटल्स के रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करके देता है। इस सीरीज के अंदर जो सबसे टॉप पर आने वाला मेटल होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे की साइड जाएंगे तो वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि कम होगी। तो नीचे आप कह सकते हो कि यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमें देखने को मिलेंगे, जबकि सीरीज के टॉप पर हमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इस सीरीज में जब आप नीचे की साइड आओगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये बात आप याद रखिए कि जो टॉप पर मेटल्स आएंगे वो ज्यादा रिएक्टिव, और उसके नीचे जो मेटल्स आएंगे वो उसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। मैंने इसे इस तरीके से याद किया था, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, ये सभी कार की कंपनीज है, ऑल्टो जेन फरारी फिर भी दुखी है, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। उन्होंने कार मांगी थी ऑल्टो जेन फरारी और मिल गई ऑडी, पता नहीं ऑडी मिल गई फिर भी दुखी है। खैर, तो कैटरीना से हम के लेटर ले लेंगे, के मींस पोटेशियम, Na, N फॉर सोडियम मेटल Na, Ca इज फॉर कैल्शियम, M से हम बना लेंगे मैग्नीशियम, Al मींस एल्यूमिनियम मेटल, Z मींस जिंक, Fe मींस आयरन Fe, P एंड B, P और B मिलकर बना लेंगे लेड मेटल Pb, H इज फॉर हाइड्रोजन, C इज फॉर कॉपर, M इज फॉर मरकरी, यहां से मरकरी लेटर को ले लेंगे, सिल्वर मींस सिल्वर Ag, Au मींस गोल्ड, और गोल्ड के बाद अगर हम चाहें तो एक और मेटल भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज प्लैटिनम। तो गोल्ड के नीचे आप यहां पर प्लैटिनम भी लिख सकते हो, गोल्ड के बाद प्लैटिनम। सो ये इस सीरीज को याद करने का तरीका हो गया, आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लिख लो, रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। किसी भी दो मेटल को अगर आपको यहां पर कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम को, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से पहले आ रहा है, टॉप पर आ रहा है, इट मींस मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक को कंपेयर कर दें तो एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हुआ और जिंक उसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हुआ। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। सबसे पहले इसका डेफिनेशन रीड करते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, ध्यान दीजिएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव यानी कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, यानी कि उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
जहां पर एक हाई रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के जगह पर आ जाता है और उसे वहां से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हिंदी फिल्मों का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि ये हिंदी फिल्मों का विलन है, बी जो है वो हिंदी फिल्मों का विलन है, ठीक, और ये हीरोइन के साथ जबरदस्ती बैठा हुआ है, ये हीरोइन के साथ जबरदस्ती बैठा हुआ है। तभी ए जो है वो हीरो है, ठीक, और हिंदी फिल्मों में क्या है, ऑब्वियसली हीरो को ज्यादा ताकतवर दिखाते हैं, तो हीरो ऑब्वियसली ज्यादा ताकतवर यहां पर होने वाला है, हाई रिएक्टिव। तो ये हीरो की एंट्री होती है, ए की एंट्री होती है, कद 6 फुट 2, ते आंख पूरी लाल, सड़ा लेवल है हाई, देखो वेरी याद हाल, ऐसा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहेगा। ये हीरो एंटर करेगा और ये विलन को मार पीट के भगा देगा, बी को हटा देगा और खुद बी की जगह ले लेगा, यानी कि सी के साथ आकर बैठ जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए आया अपने से लेस रिएक्टिव, यानी कि विलन को पीटा फीटा और खुद उसकी जगह ले लिया और बी को भगा दिया, ठीक है, और सी के साथ खुद आकर बैठ गया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट के तौर पर अगर सोचे तो ए यहां पर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट था जो कि अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट बी को डिस्प्लेस करता है और खुद उसकी जगह ले लेता है और बी को साइड कर देता है। तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। आयरन मेटल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है उसकी जगह से और खुद सल्फेट आयन के साथ, यानी कि SO4 आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, ठीक है। इसे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें काम में लेना होगा रिएक्टिविटी सीरीज को। अगर हम यहां पर देखें तो ये है आयरन और आयरन के बहुत नीचे यहां पर हमें देखने को मिलेगा कॉपर, तो कॉपर जो है वो आयरन के नीचे आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि जो भी एलिमेंट, जो भी मेटल नीचे आएगा वो लेस रिएक्टिव होगा। आयरन यहां पर हाई रिएक्टिव है, ऊपर आने वाले मेटल्स जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिविटी है इनकी, और नीचे जो मेटल्स आएंगे उनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली कॉपर जो है वो आयरन के नीचे आ रहा है, इट मींस कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो वही चीज यहां पर हो रहा है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर यहां पर साइड हो गया। तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए इसलिए हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार फेरस सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ, तो हमें यहां पर कंपैरिजन देखना होगा। जिंक मेटल आयरन से ऊपर आ रहा है, ये रहा जिंक मेटल और आयरन इसके नीचे आता है, यानी कि जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करेगा तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और आयरन मेटल यहां पर अलग हो जाएगा, ठीक है। कुछ और बातें इस रिएक्शन में आप याद रख सकते हो। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, आयरन का कलर आप जानते हैं कि ये ग्रे कलर का एक मेटल है, फेरस सल्फेट ये स्लाइटली ग्रीनिश होता है, आप ग्रीन कलर का याद रख सकते हो। कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, और कॉपर मेटल का तो कलर आप जानते हैं, ये ब्राउन कलर का एक मेटल है, रेडिश ब्राउन हम कह सकते हैं इसे, कॉपर मेटल इज रेडिश ब्राउन। और इस केमिकल रिएक्शन को अब हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं बिकॉज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं। यहां मेरे पास कॉपर सल्फेट है, आप देखिए कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे, दैट इज योर कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट को मैं इस बीकर के अंदर वाटर लिया हूं और इस बीकर में इस कॉपर सल्फेट को मिक्स करता हूं। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो ये आप देखिए हमारे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहां पर मिला, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, तो आप देख पा रहे होगे ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब अगर हम इसके अंदर आयरन नेल को डाल दें, ठीक है, तो ये मैंने आयरन नेल को बांध रखा है। अब अगर हम इसमें आयरन नेल को डाल देंगे तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। तो चलिए देखते हैं करके। कुछ समय में इस आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा जो कि हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब आप देखिए
जो आयरन नेल पहले पूरे तरीके से ग्रे कलर का था, अब आप देखो उस पर डिपोजिशन हो चुका है। आप कंपैरिजन के लिए ऊपर वाले पार्ट को देखिए कि ऊपर वाला पार्ट आपको ग्रे दिख रहा होगा जबकि नीचे आपको ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिख रहा है, अगर ये कैमरा में विजिबल हो रहा है तो। नीचे ब्राउन कलर का डिपोजिशन है जो कि कॉपर मेटल है जो कि आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। और अगर इस सॉल्यूशन को हम काफी लंबे समय तक के लिए छोड़ दें तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर फेरस सल्फेट हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं तो ये आप देखिए आयरन नेल के ऊपर यहां पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो चुका है। आप कंपैरिजन के लिए कलर देखिए, ऊपर ग्रे कलर का मेटल है और नीचे आपको ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिख रहा होगा। ये ब्राउन कलर का डिपोजिशन एक्चुअल में कॉपर मेटल है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को मैंने काफी देर तक इसी तरीके से छोड़ा हुआ था। आप कंपैरिजन के लिए दोनों सॉल्यूशन को साइड बाय साइड देख सकते हो। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है और यहां पर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हो चुका है जो कि स्लाइटली ग्रीन कलर का आपको विजिबल हो रहा होगा। सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। लेड मेटल अगर रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से तो यहां पर लेड रिप्लेस कर देगा कॉपर को, यानी कि कॉपर को यहां पर वो डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में कंपैरिजन कीजिए तो लेड यहां आ रहा है और कॉपर इसके नीचे आ रहा है, तो लेड कॉपर के ऊपर है यानी कि लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो लेड आ गया क्लोराइड के साथ और कॉपर डिस्प्लेस होकर अलग हो गया। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन यहां पर कॉपर मेटल अगर रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो आप कंपैरिजन देखिए, कॉपर मेटल टॉप पर आ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर मेटल जो है कॉपर के नीचे आ रहा है। दिस इज सिल्वर, कॉपर उसके ऊपर आ रहा है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर यहां से सिल्वर को हटाएगा और ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर अलग हो गया। दिस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक मेटल अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ तो ये फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होता है। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम कंपैरिजन देखें तो जिंक मेटल जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, दिस इज जिंक मेटल और ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसलिए जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और फॉर्म कर लिया जिंक क्लोराइड। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो आइए अब पढ़ते हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को समझना बहुत ही आसान है। डेफिनेशन को हम देखते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का क्या मतलब है? हमारे पास दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन, नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। तो ये दोनों आयंस जो होते हैं इनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से बोलता है कि जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो तेरा, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे एक्सचेंज होता है ये देखिए, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये कैटायन है और ब्लैक कलर में आपको एनायन दिख रहा होगा। कभी भी आयनिक कंपाउंड अगर हम लिखते हैं तो पहले हम कैटायन को लिखते हैं और उसके बाद हम एनायन को लिखते हैं, ये तो कॉमन बात है, सभी जगह फॉलो होता है। तो अब होगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ये जो कैटायन है पहले वाले कंपाउंड का ए बी कंपाउंड का, ये कैटायन चला जाएगा इस एनायन के साथ डी एनायन के साथ और इस कंपाउंड का जो कैटायन था यानी कि सी वो ले लेगा पहले वाले कंपाउंड के एनायन को। तो ए डी के साथ फॉर्म कर लेगा ए डी कंपाउंड और सी बी के साथ गया तो ये फॉर्म कर लिया सी बी। तो बस इतना ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। पहले वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन के साथ चला जाता है और दूसरे वाले का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ चला जाता है और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो बहुत ही कॉमन से टाइप्स हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और टाइप भी होता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, बट ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमन है, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है तो उसे ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो डिसॉल्व ना हो करे,
सेपरेट्स आउट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड जितने भी टाइप के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगे वो सभी के सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होंगे। नेक्स्ट टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फिलहाल आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम तब कहते हैं जब एक एसिड रिएक्ट करे एक बेस के साथ और फॉर्म होता है उस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड और बेस के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम ज्यादा डिटेल्स में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। सो ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सो चलिए अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। यहां मेरे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जो कि है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये जो आपको कलरलेस लिक्विड दिख रहा है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये अभी लाइट ब्लू कलर का है, आप कलर चेंज को नोटिस करना। तो ये मैंने मिक्स किया, एंड अब आप कलर चेंज को देख पा रहे होंगे कि ये हमें यहां पर डार्क ब्लू कलर का एक कंपाउंड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये जो डार्क कलर का कंपाउंड यहां पर फॉर्म हुआ ये कंपाउंड है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि इस सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ ये इस रिएक्शन का प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होता है और ये कुछ समय बाद नीचे आकर सेटल कर जाएगा। तो थोड़े समय बाद अगर हम इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे आकर सेटल कर जाएगा, और जो लिक्विड हमें दिखेगा वो लिक्विड होगा सोडियम सल्फेट का। तो हम इसे छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद इसे वापस से चेक करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा जो कि एक्वस फॉर्म में था ऑब्वियसली, और कॉपर सल्फेट भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में ही था। इस रिएक्शन के अंदर सोडियम कैटायन एक्सचेंज हो गया सल्फेट आयन के साथ, सल्फेट एनायन के साथ, और ये जो हाइड्रोक्साइड एनायन यहां पर था ये आ गया कॉपर के साथ। तो कॉपर और हाइड्रोक्साइड मिलकर फॉर्म हुआ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि इस सॉल्यूशन का पीपीटी है, ब्लू पीपीटी। एंड सोडियम और सल्फेट मिलकर फॉर्म कर लेते हैं सोडियम सल्फेट, जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि ये लिक्विड होगा, ठीक है। तो ये है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड दोनों का कलर आप याद रखिए कि ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, इनका कोई कलर नहीं होता। बट जब इनका रिएक्शन होगा तो लेड कैटायन जो है वो चला जाता है आयोडीन के साथ और ये फॉर्म करता है लेड आयोडाइड। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आ जाता है और फॉर्म करता है पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, सो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट का कलर आप याद रखिए, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो पीपीटी, और प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में है और डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिएक्शन में नीचे आकर सेटल कर जाएगा और कुछ समय बाद रिएक्शन में केवल पोटेशियम नाइट्रेट बचेगा लिक्विड के फॉर्म में। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का रिएक्शन। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो बेरियम कैटायन चला जाता है सल्फेट एनायन के साथ और फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट। ठीक इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट जो है वो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट पीपीटी, जबकि इन दोनों सॉल्यूशन का कलर जो है वो कलरलेस होता है। ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो ये रिएक्शंस आप याद रखिए, दे वेयर ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। आइए डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स। तो सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो यहां पर सिल्वर कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा क्लोराइड एनायन के साथ और ये फॉर्म करेगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि इस रिएक्शन का प्रेसिपिटेट भी होता है, विच इज व्हाइट इन कलर। आप कलर को ध्यान में रखना, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट। और सोडियम बॉन्ड फॉर्म करेगा नाइट्रेट के साथ और बना लेगा सोडियम नाइट्रेट, विच विल बी इन एक्वस स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ। आप याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और HCl एक एसिड होता है, तो इस रिएक्शन में बेस
और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड साथ में रिलीज होता है वॉटर। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है, बट इस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सोडियम कैटायन एक्सचेंज हो जाता है और ये बॉन्ड फॉर्म करता है क्लोराइड के साथ, बना लेता है सोडियम क्लोराइड। ठीक इसी तरीके से यहां का हाइड्रोजन ये बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ और बना लेगा वॉटर। सो यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो इसीलिए इसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी में बेस्ड एक क्वेश्चन का। तो एनसीईआरटी एक्टिविटी में ये रिएक्शन हमसे गिवन है, ठीक है, और हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं गिवन है, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ तो बेरियम कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा क्लोराइड के साथ, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बनाएगा बेरियम क्लोराइड। एंड ठीक इसी तरीके से अमोनियम जो कैटायन है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आप याद रखोगे कि ये रिएक्शन जो है वो हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, बहुत ही ज्यादा हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एंडोथर्मिक नेचर का रिएक्शन है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चार तरह के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे और रेडॉक्स के कंसेप्ट को समझेंगे।